नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज़ छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले में पानी आफत बन गई है। लगातार 3 दिनों की बारिश और गंगरेल बांध 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद आज सुबह से महानदी और सहायक नदी ऊपर उफान पर है और सूर्य नारायण और चंद्रपुर में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करने बिलासपुर रेंज के IG रतनलाल डांगी सूर्य नारायण पहुँचे और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वैसे तो मंगलवार की सुबह से जिले में बारिश रुक गई है और नदी नाले अब सामान्य स्थिति में आ रहा था, लेकिन गंगरेल बांध के 14 गेट खोले जाने के बाद 1.5 लाख क्यूसेक पानी महानदी में आने लगी। इसका असर फिर से महानदी में पड़ने लगा है और आज सबरी पुल से 2 फीट ऊपर पानी बहने लगा है, जिसके कारण सूर्य नारायण और बड़ौदा बाजार से संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन ने सूर्य नारायण और चंद्रपुर में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आज रतनलाल डांगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और प्रभावितों को सुरक्षित स्थान में जाने के निर्देश दिया। गंगरेल बांध से पानी छोड़े जाने के बाद आज सुबह से ही सूर्य नारायण में महानदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। गंगरेल बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सूर्य नारायण सहित महानदी किनारे के आसपास इलाकों में पानी का स्तर बढ़ने से होने वाली जनधन की हानि को रोकने के लिए मुनादी कराने और इसके आसपास रहने वाले लोगों को राहत शिविर में पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं SDRF की टीम सूर्य नारायण पहुँच गई है। सुबह 5 बजे से महानदी का स्तर बढ़ने से सबरी सेतु, चंद्रपुर सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में बचाव के लिए बोट तैयार कर लिया गया है। तैराकों को अलर्ट रखने और आपात स्थिति में तत्काल राहत और बचाव के कार्य करने को तैयार हैं। पुलिस प्रशासन की टीम महानदी किनारे कल रात से मौके पर डटे हुए हैं। बाढ़ की स्थिति पर पूरा प्रशासनिक अमला नजर बनाई हुई है और गंगरेल डैम से पानी छोड़े जाने के बाद से सूर्य नारायण महानदी पुल के पास छावनी बना दिया गया है। KR लोगों से सुरक्षित रहने की अपील कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा ब्यूरो चीफ गौरा राजसागर की रिपोर्ट।